नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अनिल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल की बात। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि चेन स्टेयर्स क्या होती है या उसे हम होल्डिंग प्लेट स्टेयर्स भी बोलते हैं। तो चलो पहले आप उसका लाइव वीडियो देख लीजिए, आखिर साइड पर इसे किसे बांधा जाता है, फिर हम उसको समझेंगे। तो दोस्तों, आपने वह वीडियो देखा जिसमें चेन स्टेयर्स को बांधा गया है या बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं तो इसमें कि कुछ इस तरह से वह उसको बनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें हमने उसकी ड्राइंग बनाई है, तो समझते हैं आखिर उसको बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, यह हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से हमें स्टेयर्स स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से उसमें बना हुआ है। तो हम इस चीज़ को राइजर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो कि हम 7 इंच लेके चलते हैं और वह मैक्सिमम 7 इंच ही लेते हैं। उसके अलावा बहुत जगह 6 इंच भी बनाया जाता है। वह डिपेंड करता है कि अपने ड्राइंग में क्या देगा है राइजर की हाइट, और इसे हम थ्रेड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जिसे हम 10 इंची बनाते हैं, वह भी डिपेंड करता है कि ड्राइंग में क्या दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इसे राइजर बोलेंगे, इसे थ्रेड बोलेंगे। अब दोस्तों, उसमें यह यहाँ पर सरिये प्रोवाइड करना पड़ता है। यह 8 mm यूज़ करते हैं, यह वाले सरिये 8 mm का यूज़ करना होता है। और इसकी लेंथ जो अपने स्टेयर्स की लेंथ दी जाती है, मतलब 3.5 फीट का स्टेयर्स है या 3 फीट का है, उस हिसाब से हम उसको लेंथ को काटते हैं। बाकी उसमें कुछ इस तरह रिंग बनी होती है, यह रिंग यहाँ से यहाँ तक की, जिसे हमने अलग अलग बनाया हुआ है। तो दोस्तों, उसको समझ सकते हैं, यह भी 8 mm में बनाई जाती है, 8 mm बार में। तो दोस्तों, उसकी अभी हम मान ले इसके जो हम स्टेयर्स बना रहे हैं उसकी थिकनेस 4 इंच ले रहे हैं, तो हमें किस साइज की रिंग बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो हमें थ्रेड वाली रिंग है उसे 13 इंची बनानी पड़ेगी, और उसकी ये वाली लंबाई लेनी पड़ेगी 3.5 इंच, मतलब 13 इंच की एक रिंग बनानी पड़ेगी जो यह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यह जो राइजर के लिए एक रिंग बनानी पड़ेगी, तो वह है उसे बनाना पड़ेगा 10 इंच बाय 3.5 इंच जो हम यहाँ पर यह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह यह दो रिंग बनानी पड़ती है और इन्हें आपस में अटैच कर देते हैं। अब इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, जो 3 फीट का ऐसा चढ़ाव मान लो 3 फीट का है, तो उसमें जो स्पेसिंग होगी है रिंग की, तो वह सामान्य तौर पर 5 इंच दी जाती है, और वह लोड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो वह ड्राइंग में ऑलरेडी दिया रहता है कि किस स्पेसिंग पे बांधना है। वह भी 8 mm का सरिया यूज़ करते हैं जिसे 5 इंच से स्पेसिंग से हम बांध सकते हैं। यह हम बहुत सारी साइटों पर बना चुके हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, तो यह हम 5 इंच पर बांध सकते हैं। दोस्तों, इस तरह दो रिंग को अटैच करके हम यह फोल्डिंग चढ़ाव बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से यह वीडियो जो साइट पर बनाया गया है उसे देखें और समझें।